नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नक्सलियों ने संचालित पथ निर्माण और पुलिया निर्माण को बंद कराया। मशीनों और टैंकर को आग के हवाले कर भाकपा माओवादी संगठन ने एक बार फिर सक्रिय होने का सबूत दिया। 3 मिक्सर मशीन और 2 पानी टैंकर को आग के हवाले किया। इस घटना के बाद से सड़क निर्माण में लगे लोग डरे हुए हैं। लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सड़क और पुलिया निर्माण कार्य में लगे 3 मशीन और 2 पानी टैंकर को आग के हवाले कर दिया। घटना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हेने एवं रोडो टोले की है। नक्सलियों ने संचालित पथ निर्माण और पुलिया निर्माण को फिलहाल बंद करवा दिया है। मशीनों और टैंकर को आग के हवाले कर भाकपा माओवादी संगठन ने एक बार फिर सक्रिय होने का सबूत दिया है। 3 मिक्सर मशीन और 2 पानी टैंकर को आग के हवाले करने के बाद चेतावनी दिया है कि अगर दोबारा कार्य शुरू हुआ तो ठेकेदार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस घटना के बाद से सड़क निर्माण में लगे लोग सहम गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक निंदी से हेने के 8 किलोमीटर तक सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस बीच 8 से 10 की संख्या में आए माओवादियों ने 3 मिक्सर मशीन और 2 पानी टैंकर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद नक्सली निंदी गांव की ओर से हेने होते हुए लातेहार सीमा की ओर से भाग गए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।